हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मेरे पास एक मोबाइल है, तो किसी ने कमेंट किया था कि सर उसको रिकवरी मोड में ले जाते हैं मोबाइल को, तो डाउनलोड मोड में चला जाता है। तो आज मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा डाउनलोड मोड में ले जाने का। तो इसमें दोस्तों एक पावर बटन, होम की और वॉल्यूम माइनस, इन तीनों बटन को आप एक साथ प्रेस करेंगे तो मोबाइल जो है वो डाउनलोड मोड में जाएगा। अभी मैं प्रेस करता हूँ वॉल्यूम माइनस, पावर बटन और होम की। अब वॉल्यूम अब से आपको कंटिन्यू कर देना है तो ये डाउनलोड मोड में जो हमारा चला जाएगा। तो यहाँ से आप मोबाइल के बाइनरी और FRP लॉक चेक कर सकते हैं और यहीं से OTN के थ्रू इसको फ्लैश भी कर सकते हैं। तो उससे तो ये तरीका हो गया दोस्तों, वॉल्यूम माइनस, होम की और पावर बटन को एक साथ प्रेस करने पर डाउनलोड मोड में जाता है। अब मैं इसको एक बार ऑफ कर देता हूँ और वॉल्यूम अप, होम की और पावर बटन आप एक साथ प्रेस करेंगे तो मोबाइल जो है वो रिकवरी मोड में जाएगा। तो मैं अभी प्रेस करता हूँ, तो ये यहाँ पर इसका लोगो आ गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना, इसको छेड़ना नहीं है, वो ऑटोमेटिक चला जाएगा रिकवरी मोड में। तो ये देखिए हमारा रिकवरी मोड में आ गया है। अब आपको वॉल्यूम माइनस और अप की सहायता से इसको ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। तो अब ये जो दिखाई दे रहा है वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, और जब आप पावर बटन पे क्लिक प्रेस करेंगे और यस पे क्लिक कर देंगे, यस पे प्रेस करेंगे तो मोबाइल जो है वो हार्ड रीसेट हो जाएगा। और यहाँ रिबूट सिस्टम पे क्लिक करके आप मोबाइल को फिर से ऑन कर सकते हैं, या फिर नीचे डायरेक्ट नीचे ही नीचे आपको पावर ऑफ का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ पे ले जाके पावर बटन को प्रेस करने पर मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगा। तो ये था तरीका दोस्तों इसको रिकवरी और डाउनलोड मोड में ले जाने का।